तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक खरगोश एक वचन दो घोड़े बहुवचन एक गाय एक वचन जब सभी के वचन अलग अलग होंगे तो यह जो इसमें जो है क्रिया है वह जो है सबसे पास वाली संज्ञा के अनुसार आएगी तो इसमें चर रहे हैं नहीं होगा चर रही है ये गाय जो है स्त्रीलिंग है इसीलिए चर रही है अब देखिए जस्ट इसके अगला वाला जो है वाक्य इसमें है बाघ और बकरी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं तो बाघ और बकरी दोनों एक वचन है ये भी एक वचन है इसीलिए दोनों के एक वचन यानी वचन समान होने की दशा में जो इसकी क्रिया है वह जो है बहुवचन में आएगी अगर जो यहाँ पर सबके अलग अलग वचन होंगे तो जो क्रिया है वह एकदम निकटतम वाली निकटतम वाली जो है संज्ञा के अनुसार आएगी अगर जो दोनों के वचन समान है या तीनों के वचन समान होते तो जो है हमेशा बहुवचन में आता ये इसका नियम है थोड़ा सा कठिन है इसको जो है ध्यान दे आप देख लीजिएगा अगला है पुस्तकों में यह सर्वश्रेष्ठ है अगर जो आपने श्रेष्ठ बोल दिया तो श्रेष्ठ का अर्थ भी वही होता है जो सर्वश्रेष्ठ का होता है इसीलिए सर्व लगाना व्यर्थ है क्या हो जाएगा आपका श्रेष्ठ है पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है इस समय मेरी आयु तीस वर्ष है जो आयु होती है वह होती है स्टार्टिंग पॉइंट से जो है लास्ट पॉइंट अंतिम बिंदु तक ये इसकी आयु हो गई जैसे कि पेड़ की आयु सौ वर्ष है तो इसका मतलब है पेड़ सौ साल तक चलेगा उसके बाद में इसकी डेथ हो जाएगी मनुष्य के संदर्भ में ऐसा तो है नहीं तो इसीलिए यहाँ पर हम कहेंगे इस समय मेरी उम्र मेरी उम्र तीस वर्ष है या फिर हम कहेंगे मेरी अवस्था मेरी अवस्था तीस वर्ष है अगला हम देखेंगे इसमें देखिए है गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता अब जो भुलाया है ये यहाँ पर गलत है सही होगा गांधी जी को भूला नहीं जा सकता जो भुलाया है ये हम जो है प्रयोग करते हैं किसी घटना या वस्तु के संदर्भ में किसी घटना या वस्तु के संदर्भ में हम भुलाया प्रयोग करते हैं जैसे कि जो मैंने एक्सीडेंट कल देखा था उसे भुलाया नहीं जा सकता या उसे मैं जो है भूल नहीं सकता भूला नहीं भूल नहीं सकता या भुलाया नहीं जा सकता अंग्रेज़ों ने जो भारतीयों पर अत्याचार किया उसे भुलाया नहीं जा सकता तो ये घटना के संदर्भ में भुलाया और जब व्यक्ति के संदर्भ में होगा व्यक्ति के संदर्भ में तब होगा भूला नहीं जा सकता छोटी सी गलती थी आप लोगों को ध्यान रखना है शायद वह जरूर आएगा जरूर की जगह पर अवश्य भी हो सकता है शायद जब देखिए इसमें जो है विरोधाभास है वाक्य में कैसे है जब आपने बोला कि शायद और उसके बाद में आप बोल रहे हैं जरूर आएगा या फिर अवश्य आएगा तो ये विरोधाभास नहीं हो गया तो इसीलिए या तो लिखिए कि शायद वह आएगा या तो आप लिखिए वह जरूर आएगा दोनों को विरोधा विरोधाभास नहीं करना है तो ये जो है अशुद्धि थी इसमें थोड़ा ध्यान रखना है उसके चाचा को लड़की हुई है उसके चाचा को नहीं चाचा के लड़की हुई है चाचा के लड़की हुई है अगला वाक्य इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था देखिए जो लास्ट में आया है सहायक क्रिया यह जो है अनुशासनहीनता के अनुसार यानी ये कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग तब ये स्त्रीलिंग बनेगा अनुशासनहीनता ही थी इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी अगर जो हम अनुशासन पहले लगा दें लिख दें कि इसका अनुशासनहीनता ही इसका प्रमुख कारण तब हम लिखेंगे था क्योंकि जो था है तब कारण के अनुसार कारण जो है ये पुरुषवाचक है पुरुषवाचक है तब हम लिखेंगे था इसका मतलब है कि जो सहायक क्रिया है वो निकटतम के अनुसार आई है मटर में हरी धनिया डाली गई अब देखिए जो धनिया है ये पौधा है पौधा और पौधा का जो लिंग होता है वो पुल्लिंग होता है पुल्लिंग छोटा पौधा बड़ा पौधा छोटी पौ, छोटा छोटी पौधा थोड़ी हम लोग बोलते हैं तो अगर जो धनिया है तब हम कहेंगे हरा धनिया धनिया पुल्लिंग है हम कहेंगे हरा धनिया मटर में हरा धनिया डाला गया शिष्य गुरुजी के पैरों में गिर पड़े अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि पैरों में थोड़ी गिरते हैं पैरों पर गिर पैरों पर गिरते हैं पैरों पर या चरणों पर गिरते हैं तो यहाँ पर होगा पर वह दंड देने या भोगने के योग्य है अब देखिए वह दंड देना तो व्यर्थ हो जाएगा ना आप जो है जब कह रहे हैं कि वह दंड के योग्य है वह या या फिर कह लीजिए कि दंड के लायक है इस तरह से तो इसमें देना जो शब्द है वो जो है व्यर्थ है तो क्या हो जाएगा वह दंड योग्य है क्या हो जाएगा वह दंड योग्य है अगला चार दीवारी के पार खाई है पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि चार दीवारी इस तरह से ये लिखा जाता है चार दीवारी के इस पार खाई है चार दीवारी के इस पार खाई है तो होगा इस पार नहीं होगा इस पार तो गलत हो गया केवल ये लिख दीजिए कि चार दीवारी के पार खाई है अगला है शिक्षक प्रश्न पूछते हैं जो शिक्षक होता है वो हमेशा प्रश्न करता है क्यों शिक्षक प्रश्न करता है क्योंकि आ, क्योंकि शिक्षक को प्रश्न का उत्तर पता होता है इसीलिए शिक्षक प्रश्न करते हैं उसे बताने के लिए ना कि उसे ज्ञान लेने के लिए जो बच्चे होते हैं छात्र छात्र हमेशा प्रश्न पूछते हैं तो छात्र जो है वो प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक क्या करते हैं शिक्षक प्रश्न करते हैं अगला घटना का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है जहाँ पर स्पष्टीकरण आ जाए देखिए अंत में जो है कर्ण लगा हुआ है तो कर्ण के साथ में फिर से करना अनावश्यक हो जाएगा इसीलिए घटना को स्पष्ट घटना का घटना का स्पष्टीकरण आवश्यक है केवल इतना होगा करना नहीं होगा अगला वाक्य है ऐसी एकाद बातें अक्सर सुनने में आती हैं देखिए बस थोड़ा सा ध्यान देना है एकाद जब एकाद तो एक वचन हुआ ना या तो एक है या तो आधी है तो ये एक वचन होगा इसीलिए बातें नहीं होगा इसके साथ में क्या होगा बात ऐसी एक बात अक्सर सुनने में आती है कुछ महत्वपूर्ण शुद्ध वाक्य हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पर बहुत ही थोड़ा समझने लायक विषय है क्योंकि ये अक्सर जो है परीक्षाओं में गलत होता है अब इसमें क्या है एक है अतिथि को मानपत्र अर्पित किया जो ये छात्र ने या शुरुआत में लगा लीजिए छात्र ने जो बड़े से जो छोटे से बड़ा यानी छोटे से बड़ा होता है तब अर्पित किया जाता है और जब बड़ा छोटे को करता है तब प्रदान करता है जैसे कि अतिथि ने अतिथि ने छात्र को छात्र को मान पत्र प्रदान किया प्रदान किया और जब छात्र अतिथि को देके तब जो है वो अर्पित करेंगे थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाला है एक दूसरा आता है प्रशस्ति पत्र इसमें यहां पर देखिए लिखा है प्रशस्ति पत्र अब इसमें एकदम सेम जो है इसका उल्टा है ये वाला जो था मानपत्र वाला इसमें जो है सेम उल्टा है यह है जब छात्र मुख्य अतिथि को प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे क्या करेंगे प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे और मानपत्र क्या करेंगे अर्पित करेंगे और ये वाला वैसे ही है जैसे कि उच्च से न जो है नीचे आया है यानी प्रधानाचार्य ने छात्र को मानपत्र प्रदान किया छात्र को प्रदान करेंगे अर्पित नहीं करेंगे अगर जो प्रधानाचार्य भी अपने जो है ऊपर वाले को अगर जो मानपत्र देंगे तो वो जो है उसको अर्पित करेंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा तब होगा अर्पित ऊपर से नीचे आएगा तब होगा प्रदान ये है मानपत्र के संदर्भ में ये कंडीशन जस्ट उल्टी है प्रशस्ति पत्र के संदर्भ में जब छात्र देंगे प्रशस्ति पत्र तब वो प्रदान करेंगे अगला है आपत्ति प्रकट की आपत्ति कभी प्रकट नहीं की जाती आपत्ति की जाती है प्रकट आपत्ति करना और आपत्ति प्रकट करना दोनों तो समानार्थी हैं जहाँ पर जो है समान अर्थ निकल रहा हो वहाँ पर अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं तो हो जाएगा आपत्ति की फिर अगला है नापना अब देखिए नापना और मापना में अंतर समझ लीजिए नापना जो होता है वह जो है किसी वस्तु की लंबाई वगैरह नापी जाती है जैसे ये जमीन कितनी जो है, है जमीन नापना कपड़ा नापना वस्तु की लंबाई नापना और जो मापना है वो तरल चीज़ें जो है मापी जाती हैं मापी जाती हैं जैसे कि दूध है दूध मापना नापना नहीं होता है दूध मापना या तेल मापना अब इसी तरह एक होता है आंकना जो आंकना होता है वो अमृत अमूर्त चीज़ों के संदर्भ में होता है जैसे कि प्रेम का मूल्य आंकना या फिर आ, कह लीजिए समस्या आ, वो नुकसान का आकलन करना ऐसे आकलन होता है ना आकलन समस्या का आकलन करना तो जो अमूर्त चीज़ें होती हैं उनके संदर्भ में हम लोग आकला प्रयोग करते हैं यहाँ पर देखिए एक इस तरह का जो है प्रश्न पिछली बार भी आया है पिछले इसमें प्रत्येक और सभी के संदर्भ में जहाँ भी हर एक होता है या प्रत्येक होता है वो एक वचन होता है तो इसीलिए हर एक व्यक्ति गय नहीं होता है गया होगा एक वचन एक वचन से संबंधित जो है ये आएगा और इसी तरह अगर जो कहा जाए सभी तब हो गया बहुवचन तब हो जाएगा गए सभी व्यक्ति गए याद रखना है हर एक और प्रत्येक ये जो है एक वचन आता है इसके साथ में चित्र बनाना देखिए चित्र की जो अशुद्धि आती है वो आता है कि राम ने चित्र का निर्माण किया ठीक है तो या रचना की तो ये जो है गलत है इसमें चित्र बनाया जाता है चित्र बनाना और ग्रंथों या पदों की रचना करना गुप्त रहस्य गुप्त रहस्य प्रकट करना यह जो वाक्य है इसमें क्या हो जाएगा जैसे कि जब आपने गुप्त कह दिया तो रहस्य तो आप रूप होता है ना तो ये जो है अनावश्यक हो गया या तो कह लीजिए कि गुप्त या फिर रहस्य दोनों में से एक जो है प्रयोग होगा वैसे ही देखिए इसमें भी है काल के समय अब देखिए जब काल आ गया तो काल के साथ में समय तो अनावश्यक ही है जो पेपर आता है पेपर इसी तरह के आते हैं बहुत ही छोटी छोटा सा रहेगा अगर जो जो समझा रहेगा वो पकड़ लेगा जो नहीं समझा रहेगा वो अक्सर गलत करता है तो प्रातःकाल के समय नहीं केवल प्रातःकाल फिर है वापस लौटना देखिए अब आप देख कर ही समझ गए होंगे वापस और लौटने जो है दोनों के समान अर्थ हैं तो या तो आप लिखिए वापस या फिर आप लिखिए लौटना अगला है देखिए परस्पर एक दूसरे से इसमें भी देखो देखिए आप समझ गए होंगे परस्पर का मतलब ही होता है एक दूसरे से तो दोनों सब दोनों शब्दों का तो दोहराव हो गया इसीलिए या तो आप लिखिए कि परस्पर या तो आप लिखिए एक दूसरे से ये जो है हो जाएंगे तो हालांकि अगर जो इनको सबको खोल के समझाया जाता बहुत सारे जो है इसमें प्रश्न बन जाते लेकिन मैंने इसमें में कम से कम जो है रखने का प्रयास किया है तो अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए थैंक यू